आज इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, सीतापुर के युवा सपा नेता को पुलिस ने घर में किया नजरबंद। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह सहित सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। सरकार के विरोध में प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने जा रहे थे सपा नेता। UGC नेट की परीक्षा में धांधली को लेकर आक्रोशित थे सपा कार्यकर्ता। सपा नेताओं ने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। मामले की जानकारी होते ही शिवम सिंह के रंपा टाकीज के पास स्थित आवास पर पहुंची पुलिस ने किया नजरबंद। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाकर व्यक्त किया विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया नियमों और कानूनों को ताक पर रखने का आरोप। विरोध प्रदर्शन करने वालों में बबलेंद्र सिंह, सुखविंदर वकील खान, आर्यश ऋषभ आदि कार्यकर्ता रहे शामिल। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, देखिए समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के निर्देश पर नीट और नेट के सभी अभ्यर्थियों के समर्थन में एक आंदोलन किया जाना था, जिसमें हम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना चाहते थे और ये चाहते थे कि उनके विरोध में हम लोग पुतला फूंक करके उनका विरोध करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी छात्र सभा विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। लगातार अन्य जनपदों से जो खबरें आ रही हैं उसमें से लगातार लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया जा रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की अपनी लोकतंत्र में एक अपनी अहम भूमिका होती है और उसी भूमिका का हम लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सरकार शासन प्रशासन के जरिए विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर होगा और अगर विपक्ष अपनी अहम भूमिका को नहीं निभाएगा तो आखिरकार लोगों की आवाज़ को उठाएगा कौन। इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगभग सभी जनपदों में जिस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए लोगों को जो जहाँ पर थे वो चाहे सिवता विधानसभा से हों और सोनू सिंह जी, उन सभी को वहीं पर रोक दिया गया है। हमने प्रशासन की तरफ से निर्देश था कि जो जहाँ पे है उसको वहीं पर रोक दीजिए और मुख्यालय पर ना बुलाइए। तो जो भी पदाधिकारी थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। कुछ पदाधिकारी जैसे हरगांव से बबलेन सिंह जी, कुछ लोग यहाँ पर आ पहुँचे थे लेकिन बाकी जो जहाँ पे थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। देखिए हाउस अरेस्ट केवल मुझे किया गया है, बाकी सभी कार्यकर्ताओं को रोक देने के निर्देश दिए गए हैं। आज के कार्यक्रम में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को शामिल होना था लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम को रोक दिया गया है, नज़रबंद कर दिया, इससे कार्यक्रम स्थगित है। लेकिन हम लोग लगातार ये मांग करते रहेंगे कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाया जाए। आप दुर्भाग्य देखिए कितना है, जहाँ पर लाखों लाख छात्र, विपक्ष के नेता, हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफ़ा ले लीजिए, उनको हटा दीजिए, तो बिना उन पर कार्रवाई करने के, बिना उनको हटाने के, उनसे इस्तीफ़ा लेने के बजाय आप उनको हरियाणा का प्रभारी बनाए दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिक्षा मंत्री, ये दोनों लोग अयोग्य हैं, असक्षम है परीक्षाओं को कराने के लिए। देखिए ये कोई विपक्ष के नेताओं के साथ पहली बार नहीं हो रहा, लगातार विपक्ष इस चीज़ों का सामना करता रहा और जो विपक्ष में रहता है उसको इस तरीके की चीज़ों का सामना करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि इन परिस्थितियों में ये पता चल जाता है कि कौन आपके कितना करीब है। लेकिन हम लोग जब से समाजवादी पार्टी बनी है, समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से ही लगातार निरंतर सभी समाज के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लगातार जन सरोकार के मुद्दों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने UPPRO के लिए ज्ञापन दिया था, अभी कुछ दिन पहले नीट के लिए और आज नेट के लिए हम लोग करना चाहते थे विरोध की मंत्री जी इस्तीफा दें, लेकिन प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया है। इसलिए हम यहीं से अपने लोगों से ये निवेदन करेंगे कि जो जहाँ है वहीं से मुखर होकर के सरकार की तरफ से इस्तीफे की मांग करें और उनको हटाया जाए। देखिए प्रशासन की तरफ से रुकने के निर्देश दिए गए थे, मेरी समझ से 10 से अधिक लोग थे जिसमें से 2 दरोगे और बाकी जो भी उनके साथ के सहयोग थे, मुझे लगता संख्या अगर देखी जाए तो 10-12 के करीब थे। लोग आते जाते रहे, लोग मौके पे बने रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।